दिलबाग जी, एक और सवाल है मेरा। जी आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जी बिल्कुल जो स्कूली बच्चे हैं, उन्होंने हाँ जी पढ़ाई के लिए मोबाइल को भी एक पार्ट बना लिया, बिल्कुल सर क्योंकि वो कहते हैं कि मोबाइल इतना जरूरी हो गया है कि मोबाइल के बिना स्टडी अब संभव ही नहीं है। जी इसके बारे में आपके क्या विचार है? एक और सवाल था मेरा, जी जी वो ये था कि जैसे कि सभी को पता है जो जी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें जो शिक्षक होते हैं बिल्कुल वो जी अच्छी तरह से क्वालिफाइड होते हैं, बिल्कुल हर सर प्रकार के टेस्ट क्लियर करने के बाद तब जाके वो पोस्ट पे पहुंचते हैं। बिल्कुल सर लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों पे ज्यादा क्यों है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। आज हमारे साथ हैं श्री दिलबाग सिंह सोथा, नमस्कार जो पेशे से एक अध्यापक हैं, और एक अध्यापक का काम होता है बच्चों के भविष्य को बनाना, और इसी विषय को लेकर आज हम मास्टर जी जी के साथ जी जुड़े हैं। जी बिल्कुल आज का हमारा विषय है शारीरिक और मानसिक विकास, तो मास्टर जी से बात करेंगे। सबसे पहले मैं जनसेवा टीवी की ओर से इनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। नमस्कार मास्टर जी। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। दिलबाग सिंह जी, आज का जो हमने विषय बताया है बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास, जी जी तो एक अध्यापक का काम होता है बच्चों के सर्वांगीण विकास करना। बिल्कुल बिल्कुल तो आज शिक्षा के स्तर पर अगर बात करें तो शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं? देखिए, सबसे पहले हम अगर देखें शिक्षा का जो स्तर होता है, सबसे पहले जो अध्यापक होता है वो बच्चे की माँ होता है। पहला शिक्षक यानी कि बच्चे की माँ, वो जैसे गाइड करेगी, जैसे आगे बच्चे को मार्गदर्शन करेगी, उसी हिसाब से वो चलता है बच्चा। जी दूसरी बात, जैसे ही बच्चा स्कूल के अंदर आता है, स्कूल की बाउंड्री के अंदर आता है, जी वहां पे शिक्षक की एक बहुत ही अहम भूमिका और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे बच्चा स्कूल में आया, उसको एक अपने बच्चे की तरह, इस प्रकार जैसे जिस प्रकार एक कुम्हार होता है, जी कुम्हार घड़े को उसको इस तरीके से ढाल देता है कि भी उसको ना घड़ा बन जाए और बनकर पूरा तैयार हो जाता है, उसी जी प्रकार अध्यापक होता है, अध्यापक का काम है उसको शिक्षा देना। जी और शिक्षा का बिल्कुल निचले स्तर पर, निचले स्तर पे से बच्चे को सिखाने शुरुआत करके, और उसको अच्छी तरह जब तक नहीं सीख पाता बच्चा, तब तक उसके ऊपर लगा रहता है। तो बच्चा को सिखाने में माँ की भी, माता पिता की भी भूमिका उतनी होती है। और दूसरा, जो शिक्षक, जो स्कूल वाले शिक्षक होते हैं, गुरुजी होते हैं, वो एक उनके राष्ट्र निर्माता हो गए और एक परमात्मा का रूप होते हैं। मास्टर जी, शिक्षा के साथ साथ जी अब खेलों को बहुत महत्व दिया जा रहा है, जी बिल्कुल इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं? सर, बिल्कुल बात सही है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। क्योंकि देखिए, जैसे जो शरीर का ग्रोथिंग है, जो उसको बढ़ोतरी है, और जो शरीर से जितना खून पसीना बहाएंगे, जितना खेलेंगे बच्चे, उनका जो माइंड है, उनका जो दिमाग है, वो बच्चे का एक ऐसा फोकस रहेगा भी हाँ मैंने ये करना है। उसके अंदर एक कंपटीशन, प्रतियोगिता की भावना पैदा हो जाती है, जी और उससे एक तरोताजा दिमाग की तरह काम करता है भी हाँ मैंने ये काम करना है, मैंने इस काम के लिए करना है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। जैसे भी जी मान ले, अब जैसे लड़कियों के भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जो लड़कियां ऐसी भी हैं जो जैसे माउंट एवरेस्ट को जो फतेह करने वाली हैं लड़कियां, जी बहुत से हैं। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो एक 10 साल की लड़की जो रिवाड़ी जिला हरियाणा से संबंध रखते हैं, जी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को वर्ष 2023 में फतेह किया है। इसके साथ साथ एक दलित समाज की जो लड़की है, वो तीरंदाजी में हिसार जिला के उमरा सुल्तानपुर से बिलोंग करती हैं, संबंध रखती हैं वो। उन्होंने जी भी बड़ा अच्छा अपना वो चैंपियनशिप दिखाई है। तो इससे क्या होता है कि समाज में एक तो लड़कियों के प्रति एक मैसेज आता है कि भी लड़कियां भी आज लड़कों के बराबर हैं, उनसे पीछे नहीं है हर फील्ड में। अब दूसरी बात, अगर और चीज भी देखें हैं, अब अपने कैथल से ही लगा लिए, कैथल जिले से कुलदारण गांव से है, हाँ जी लड़की है पायल, जी उनके पिताजी हैं राम कुमार जी, वाल्मीकि समाज से हैं, उन्होंने भी देखो बॉक्सिंग, उसमें बॉक्सिंग में अपना चैंपियनशिप लेकर आई हैं वो, और मेडल लेके आई हैं। हम चैनल के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहते हैं, और साथ साथ में समाज को भी मैसेज देना चाहते हैं भी, ताकि समाज आगे बढ़े, चाहे वो किसी भी समाज से हैं। इसके साथ साथ जो बहुत सी ऐसी लड़कियां सीवन से है, जैसे वो भी दलित समाज से हैं, खुशी है, सुपुत्री है अशोक कुमार जी, उन्होंने भी अपना हैंडबॉल में कई गोल्ड मेडल
मेडल लेके आए हैं, जो कंपटीशन बहुत अच्छे हैं, आज वो भी चैंपियनशिप हैं लिए हुए। इसके साथ साथ लड़कियां जैसे कुसुम गोस्वामी जी हैं, सीमा गोस्वामी जी हैं, वो भी अपने उसमें चैंपियनशिप रही हैं, चैंपियन रही हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से बड़ा मैसेज देना चाहता हूं लड़कियों को भी, लड़कों को भी, कि भी वो दूसरी तरफ ध्यान ना देकर अपने शिक्षा की तरफ और साथ साथ खेलों को भी महत्व दें। आज देखिए मतलब जो योगा है, योगा की तरफ बहुत ऐसे बच्चे, मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे भी अपना टीवी के और चैनलों को देख के और साथ में ही अपना योगा करते हैं सुबह सुबह। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे मैसेज आते हैं इससे समाज में और एक्टिव होते हैं। दिलबाग जी, एक और सवाल है मेरा जी। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं जी, बिल्कुल जो स्कूली बच्चे हैं, हाँ जी, उन्होंने पढ़ाई के लिए मोबाइल को भी एक पार्ट बना लिया। बिल्कुल सर, क्योंकि वो कहते हैं कि मोबाइल इतना जरूरी हो गया है कि मोबाइल के बिना स्टडी अब संभव ही नहीं है। जी जी, इसके बारे में आपके क्या विचार है? सर बिल्कुल बात सही कही आपने, क्योंकि आज है जो मॉडर्न वर्ल्ड है, और इससे पहले जब लैपटॉप और ये कंप्यूटर आए थे तो इनके माध्यम से ही अभी थोड़ा ही काम हुआ था स्टार्ट, लेकिन अब जैसे टैब आ गए हैं बच्चों को, हर जो उनको चाहिए मटेरियल पूरा सिलेबस, ऑल सिलेबस आर अवेलेबल ऑन साइट, जितने भी मतलब जो सिलेबस हैं वो अपनी साइटों पे पड़े हैं, जौन सा सिलेबस वो मान ले जो चाहे जिस क्लास में है वो उसमें अपना वो उसको ओपन करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। लेकिन इसको सिर्फ स्टडी ही के ही बेस के लिए यूज किया जाए, न कि भी अदर उसके लिए, मतलब किताबों से अच्छा ऑप्शन है ये मोबाइल। हाँ उसमें तो देखिए, उसमें हमने मान ले जैसे एक अलग से वो पेज वगैरह, जैसे मान ले पूरी मोटी किताब उठानी पड़ेगी, उसमें हेडिंग जैसे मान ले चैनल है जो साइट है उसके अंदर तो हम सीधा का सीधा ही उसी फोकस पे रखेंगे कि यहाँ ये चीज है, वो चीज अपना खुल के आ जाएगी सामने, अभी यहाँ ये पढ़ना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल भी शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा साधन, हाँ एक जरूरी पार्ट बन गया है। मास्टर जी, एक और सवाल था मेरा जी जी, वो ये था, जैसे कि सभी को पता है गवर्नमेंट स्कूल है उनमें जो शिक्षक होते हैं बिल्कुल वो अच्छी तरह से क्वालिफाइड होते हैं, बिल्कुल हर प्रकार के टेस्ट क्लियर करने के बाद तब जाके वो पोस्ट पे पहुंचते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास सरकारी स्कूलों पे, प्राइवेट स्कूलों पे ज्यादा क्यों है? जी आजकल पता क्या है बच्चों को, ये थोड़ा पेरेंट्स की अब बहुत से ऐसे हैं, क्योंकि बेरोजगारी के कारण ना जी वो बाहर की तरफ ज्यादा दौड़ने लगे, यानी फॉरेन कंट्री की तरफ दौड़ने लगे और एक दूसरे को कॉपी करने लगे, यानी एक जिसको नकल कह सकते हो आप, कि भी हाँ उसका बच्चा दो, जैसे बच्चों के अंदर एक भावना, हीन भावना पैदा हो रही है कि भी हाँ उसका बेटा तो वो उस स्कूल में है और उनके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है। देखिए इन गाड़ी का और उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की तरफ, आजकल देखिए सरकारी स्कूल में कोई कम फैसिलिटी नहीं है, जितने भी अध्यापक हैं, शिक्षक अध्यापक हैं, चाहे वो पहली से लेकर और बारहवीं तक के बच्चे शिक्षक हैं जितने भी, वो अच्छे वेल क्वालिफाई हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं जी। और बच्चे ऐसे नहीं है कि भी अव्वल नहीं आते हैं, आज बहुत से ऐसे गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। अब मेरा ही लगा लीजिए, मेरा हमारे स्टूडेंट हैं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं जी, LLB कर रहे हैं, डॉक्टरी में उसमें लाइन में गए हुए हैं, इंजीनियर लाइन में गए हुए हैं। देखिए हम मेहनत करवा रहे हैं बच्चों को और वो पढ़ भी रहे हैं बिल्कुल, और देखिए उनके मतलब पेरेंट्स भी यार देखो इतना मतलब पॉकेट अलाउ नहीं करती, बिल्कुल मीडियम और गरीब परिवारों से बिलोंग संबंध रखने वाले जो लोग हैं जिनके बच्चे मतलब स्कूलों में जाते हैं सरकारी स्कूलों में। मैं कहूंगा भी सरकारी स्कूलों को जितनी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में है इतनी प्राइवेटों में इतने नहीं, मतलब सरकारी स्कूलों में ज्यादा है जी जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी विश्वास क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ये विश्वास तो देखो पेरेंट्स को कॉपी की बात आ गई, देखिए नकल की बात आ गई भी, मैंने एक पहले अभी आपको बताया मतलब एक चीज ऊंचा दिखाने वाली बात है भी, जैसे मान लो उनके पास मर्सिडीज है, हाँ जी, उनके पास तो स्कोडा है गाड़ियों की मतलब ऊंची ऊंची गाड़ियां, उसके पास थार है और उनका बेटा तो उस स्कूल में पढ़ रहा है। देखिए उनकी कॉपी ना करके एक गवर्नमेंट स्कूल को भी अहमियत देनी जानी चाहिए, जो राजकीय स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, उनको अहमियत देनी चाहिए। और सर आपके हिसाब से हम खुद से लगा लो, हम भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ के गए हुए हैं जी जी जी,
और सर आपके हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार होने चाहिए? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो फैसिलिटी जैसे सरकार ने देनी चाहिए, एक तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर देनी चाहिए शिक्षा है जो जी, पहली से और बारहवीं तक जी, चाहे जितना भी जो भी खर्चा है, और उनको जितने भी गरीब परिवार हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प भी, स्कॉलरशिप वगैरह भी अच्छे ठीक टाइम पे उनको मिलना चाहिए। इसके साथ साथ ये है कि भी जैसे जो लड़कियों हैं, लड़कियों को जो ज़्यादा डिस्टेंस यानी दूरी है जो स्कूलों की, जैसे क्योंकि आजकल भी गांव में ऐसी भावना रखते हैं मतलब माता पिता की भी, हमारी बेटी इतनी दूर पढ़ने के लिए जाएगी कि उनको ऐसी सिचुएशन या ऐसी मतलब नियरेस्ट स्कूल मतलब अपग्रेड कर दिए जाए जहाँ पे मतलब बच्चों को, लड़कियों को, उनको फैसिलिटी ठीक तरीके से मिल सके। और सर सुनने में आया है कि आप भी राजनीति में इंटरेस्टेड हो, तो अगर भगवान आपको मौका दे, आप गुलाब लोक से हो और गुलाब लोक में आपको मौका मिले, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार करोगे? देखिए, समाज सेवा अभी करते ही आए हैं जी, पहले भी करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। रही बात राजनीति की, कभी मौका परमात्मा ने अगर आप लोगों के सहयोग से कभी मिलता है जी, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं कि लड़कियों को भी और मतलब सभी को भी शिक्षा के क्षेत्र में मतलब जो मुफ्त हमें मिलनी चाहिए जी, उस पर बल दिया जाएगा, उस पर जोर दिया जाएगा, ताकि मतलब सभी को अपना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ दिलबाग सिंह जी जो गांव सोता से हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेशे से अध्यापक हैं और अध्यापक का काम होता है बच्चों में अच्छे गुण भरना। तो इनके बहुत अच्छे विचार और बहुत ही अच्छे समाज सेवक भी हैं, हर कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो ये पहुँचे, एक बार फिर से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।